जय श्री श्याम माई डियर स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे तो स्टूडेंट्स आईसीए ने फर्स्ट टाइम बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए आरटीपी रिलीज किया है फोर द सेप्टेम्बर अटेम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो चलिए उस आर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सो लेट स्टार्ट विद द विदीपी ऑफ पेपर फोर दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स इसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होंगे सो वी विल डिस्कस ऑल द द्वेश्चन वन बाय वन विद डिटेल्ड आंसर्स ओके सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर वन इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू सब्सटीट्यूट विल बी तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनडिफर होती है दो सब्सटीट्यूट गुड्स की उसकी शेप कैसी होती है द ऑप्शन स्ट्रेट लाइन बी यू शेप्ड सी सी शेप्ड डी एल शेप्ड ओके स्टूडेंट्स तो देखिये स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कोई भी दो सब्सटीट्यूट गुड्स की ओके लेट सपोज टी एंड कॉफी मंच एंड पर्क ओके जो भी दो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उनका जो एम आर एस होता है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि एम आर एस कॉन्स्टेंट होता है बिटवीन द टू सब्सटीट्यूट गुड्स इसलिए इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है सब्सटीट्यूट गुड्स के इंडिफरेंस कर्व की वो होती है स्ट्रेट लाइन ओके द रीजन बींग एमआर इज कॉन्स्टेंट बिटवीन द टू सब्सटीट्यूट गुड्स ओके स्टूडेंट्स मैम अगर हमें यह क्वेश्चन पूछा जाता कि इंडिफरेंस कर्व दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैसी होगी राइट right, स्टूडेंट्स तो दो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनकी इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड होती है इस तरीके से एल शेप्ड ओके और अगर सब्सिट्यूट गुड्स की बात करें तो ये क्या रहेगी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लाइक दिस फाइन स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की च इज नॉट द एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है इनमें से जो ऑप्शन गिवेन है इनमें से एक्सटर्नल कॉज कौन सा नहीं है बिजनेस साइकिल का द ऑप्शन आर ए पोस्ट वो रिकंस्ट्रक्शन बी टेक्नोलॉजी शॉक्स सी पॉपुलेशन ग्रोथ डी मनी सप्लाई तो स्टूडेंट्स देखिये जो बिजनेस साइकिल्स के कॉजेज हैं उन्हें हमने दो में डिवाइड कर रखा है एक होता है इंटरनल कॉजेस एक होते हैं एक्सटर्नल कॉजेस okay, students, internal causes, wo vale causes, which originate within the country, and the causes which originate outside the country, wo external causes. okay, students, the post-war reconstruction is an external cause of business cycle. technology shocks is an external cause of business cycle. population growth is an external cause of business cycles because these originate outside the country. okay, but. If we talk about the money supply, it is not the external cause of business cycle. It is basically the internal cause of business cycle because it originates within the country. Fine. So D option is the correct option. Money supply is not the external cause of business cycle. Now moving on to question number three.

लॉजिक होता है वो ये होता है देखिए डिमांड कर्व जितनी ज्यादा स्टीप होगी ना इसका मतलब है कि डिमांड में चेंज कम है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन चेंज इन प्राइस राइट स्टूडेंट्स अब देखिए अब ऐसा जहां पर डिमांड का मोर स्टीपर है वो है मोनोपली मार्केट मोनोपली मार्केट ऐसा क्यों ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही सेलर है राइट तो जितने भी बायर्स हैं जिन्हें वो प्रोडक्ट खरीदना है वो उसी एक सेलर से ऑलरेडी खरीद रहे हैं राइट जब ये सेलर प्राइस कम भी कर देगा ना अपने प्रोडक्ट का तो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली नहीं है यहाँ पर क्यों क्योंकि ऑलरेडी जितने भी बायर्स हैं वो इसी सेलर से ही खरीद रहे थे पहले से राइट तो इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा ज्यादा फर्क डिमांड में स्टूडेंट्स तब आता है जब बहुत सारे ऑप्शन okay? so, होती है एज कंपेयर टू द डिमांड कव ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट ओके स्टूडेंट्स चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट किस कर्व का स्लोप है ओके द ऑप्शन आर ए मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व बी एवरेज प्रोडक्ट कर्व सी टोटल प्रोडक्ट कर्व डी इम्प्लीसिड प्रोडक्ट कर्व ओके स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कुछ भी आ जाए वो स्लोप होता है अपने टोटल कर्व का अपने टोटल कर्व का राइट right? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट किस चीज का स्लोप होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट का पूछा जा रहा है ना प्रोडक्ट का मार्जिनल राइट right? किस चीज का स्लोप होगा तो वो होगा बेटा टोटल प्रोडक्ट कर्व का मैम अगर हमसे पूछा जाता मार्जिनल रेवेन्यू किस चीज का स्लोप है तो वो होता बेटा टोटल रेवेन्यू कर्व का मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व लाइक दिस ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व Okay, students, next moving on to question number 5. The opportunity cost of a good is ja rahe, opportunity cost a good ki kya hoti hai? The options are a the loss of interest in using savings. Jo interest ka loss okay savings ka amount use karke Okay, b the time lost in finding it, searching time, c the quality of other goods, sacrifice to get another unit of that good. Right? जो क्वालिटी अदर गुड्स की सेक्रीफाइस की गई ताकि जो दूसरा गुड है उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट मिल जाए राइट दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डी ऑफ नीस इनमें से कोई भी नहीं ओके okay, स्टूडेंट्स तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को स्टूडेंट्स हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट इज इजर नेम फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइन अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है इट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑर्गोन ओके जो भी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसका फायदा नहीं उठाया क्योंकि हमने कोई और अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लिया दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओके स्टूडेंट्स सो क्वालिटी ऑफ अदर गुड जो हमने सेक्रीफाइस की ताकि हमें किसी दूसरे गुड की एक यूनिट एक्स्ट्रा मिल जाए दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट So, C ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट प्रसिस्ट तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता द options आर ए ऑलिगोपली बी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन सी मोनोपली डी परफेक्ट कॉम्पिटिशन ओके स्टूडेंट्स प्राइज डिस्क्रिमिनेशन होता क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है पार्शालिटी करना इन चार्जिंग द प्राइज मान लीजिए एक सेलर है उसने सेम गुड एक बायर को बेचा हंड्रेड रुपीज में दूसरे बायर को बेचा नाइन्टी फाइव में तीसरे बायर को बेचा एटी फाइव में राइट तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस आर बी चार्ज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओके स्टूडेंट्स सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो भी मार्केट्स है उसमें एग्जिस्ट करता है लेकिन जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है ना स्टूडेंट्स उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है ओके okay? परफेक्ट कंपटीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता है इसके पीछे लॉजिक है अभी बताऊंगी आपको ओके सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट नहीं करता लेकिन ऑलिगोपली में करता है मनोप्लिस्टिक कंपटीशन में करता है मनोपली में करता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में करता है ये और ये सारे फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही है ओलिगोपली मार्केट मनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड मनोपली मार्केट राइट लेकिन मैम ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता बेटा इसलिए क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ना जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है राइट right? और जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं यहां पर इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड कर देती है प्रोडक्ट के लिए ठीक है और जो भी प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है हर एक फर्म को उसी प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना होता है तो फर्म के पास कोई भी लेबोरेटरी नहीं है कि वो प्राइजेस को चेंज करें राइट तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट बायर से प्राइजेस डिफरेंट डिफरेंट चार्ज नहीं किए जाते कांस्टेंट प्राइस ही चार्ज किया जाता है फ्रॉम ऑल द बायर्स ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन सर्टेन बेनिफिट एन इंडस्ट्री गेट्स वेन इट एक्सपेंड्स इट इज नॉन एज देखिए स्टूडेंट्स जब भी इंडस्ट्री अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन को एक्सपैंड करती है यानी कि इंक्रीज करती है यानी कि अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग ऑल द क्वांटिटी ऑफ द इनपुट्स राइट तो उसे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं दैट आर कॉल्ड द ये आपसे पूछा जा रहा है उन्हें क्या बोलते हैं द ऑप्शन आर इंटरनल इकोनॉमीज बी डिस इकोनॉमी सी एक्सटर्नल इकोनॉमीज डी प्रॉफिट ओके स्टूडेंट सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज इंटरनल इकोनॉमी जो भी एक इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है ना जब वो अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है दैट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल इकोनॉमीज क्योंकि वो जो एडवांटेजेस मिले हैं उसे वो अपने खुद के एफर्ट की वजह से मिले हैं राइट तो इसीलिए उसे इंटरनल इकोनॉमीज ही बोलते हैं डिस इकोनॉमीज तो डिसएडवांटेजेस हो गए ठीक है वो एडवांटेजेस होते ही नहीं है सो दैट्स रिजेक्टेड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब है जब अगर इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता क्यों किसी दूसरे आउटसाइडर की वजह से राइट देन दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल इकोनॉमीज तो ये नहीं प्रॉफिट ये नहीं होता प्रॉफिट तो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट दैट्स वाई रिजेक्टेड ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट सपोज वी आर ड्रॉइंग अ सप्लाई कर्व ऑफ अ फार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्ड कॉन्स्टेंट तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है अगर हम फार्मर की सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो बताइए कि इनमें से कौन सी चीज को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा द ऑप्शन आर ए प्राइस ऑफ इनपुट्स बी वेदर कंडीशन सी टेक्नोलॉजी डी द प्राइज ऑफ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन ओके स्टूडेंट्स तो देखिए स्टूडेंट्स फार्मर फार्मर बेसिकली फार्मिंग करते हैं यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री है परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री राइट और यू कैन से परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो प्राइस है वो क्या रखा जाता है constant होता है क्यों कॉन्स्टेंट रहता है यहां पर प्राइस वो इसलिए बिकॉज इंडस्ट्री इज द मेकर एंड फॉर्म इज द प्राइज टेकर अभी मैंने आपको बताया था राइट right? तो जब भी हम सप्लाई कप बनाएंगे फार्मर की मतलब हम सप्लाई कप बना रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री की या परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की तो उस केस में जो प्राइस है कमोडिटी का ठीक है जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट मानेंगे ओके okay? एंड बाकी फैक्टर्स को हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे यानी कि प्राइस ऑफ इनपुट वेदर कंडीशन टेक्नोलॉजी तो फ्लक्चुएटिंग रहेंगी लेकिन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड कंसिडरेशन दैट वुड बी हेल्प कॉन्स्टेंट सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये वी हैव क्वेश्चन नंबर नाइन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉगर वेन तो आपसे पूछा जा रहा है जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो कब स्ट्रोंगर होगा द ऑप्शन आर ए द गुड्स आर क्लोजर सब्सटीट्यूट जब गुड्स क्लोजर सब्सटीट्यूट हैं बी is इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू substitute गुड सब्सिट्यूट गुड स्विच करने की जो कॉस्ट है वो काफी कम पड़ रही है सी is इज लोअर इनकन्वीनियंस switching स्विचिंग टू substitute गुड बहुत कम डिस्कंफर्ट देखा जा रहा है लोअर इनकन्वीनियंस मतलब लोअर discomfort देखा जा रहा मतलब है जब स्विच कर रहे हैं सब्सटीट्यूट गुड पे डी ऑल ऑफ दिस ये सारा कुछ ठीक है स्टूडेंट्स अब इसको समझने के लिए हमें पहले सब्सिट्यूशन इफेक्ट समझना होगा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कोक एंड पेप्सी फाइन मान लीजिए पहले जो प्राइस था कोक और पेप्सी का वो टेन टेन रुपीज था टेन रुपीज टेन रुपीज राइट right? तो कंज्यूमर को कुछ भी फर्क नहीं था वो कोक खरीदे या पेप्सी खरीदे लेकिन लेट सपोज नाउ द कोक का जो प्राइस है वो क्या हो गया कम हो गया लेकिन पेप्सी का प्राइस उतना ही है बेटा तो अब क्या हुआ प्राइस ऑफ कोक कम हो गया राइट तो अब जो कोक है वो क्या हो गई है चीपर हो गई है इन कंपैरिजन टू इट्स सब्सिट्यूट गुड राइट सो इट बिकम्स चीपर इन कंपेरिजन टू द सब्सटिट्यूट गुड तो जो लोग पैप्सी खरीद रहे हैं अब वो पैप्सी नहीं खरीदेंगे अब वो क्या करेंगे अपना वन रुपी सेव करना चाहेंगे और कोक खरीदेंगे राइट सो प्राइस ऑफ कोक कम हुआ तो इससे क्या हुआ जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है वो रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गया जो पैप्सी है रिलेटिवली क्या हो गई कॉस्टलीयर हो गई तो इसलिए डिमांड फॉर पैप्सी क्या हो जाएगी डिमांड फॉर पेप्सी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एंड डिमांड फॉर कोक क्या हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी डिमांड फॉर कोक विल इंक्रीज दिस इज कॉल्ड द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कि जब भी किसी चीज का प्राइस कम हुआ ना तो वो अपने सब्सटीट्यूट गुड के कंपेरिजन में चीपर हो जाती है चीपर एज कंपेयर टू इट्स सब्सटीट्यूट राइट इसलिए उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो होल्ड ट्रू अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो वो कॉस्टली हो जाती है एज कम्पेयर टू इट्स सब्सटीट्यूट एंड उसकी डिमांड डिक्रीज भी हो जाती है ओके okay, लेकिन ये सबस्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो कब स्ट्रोंगर होगा ये तब होगा जब गुड्स जो है ना वो क्लोजर सब्सटीट्यूट है मतलब मुझे कोक भी उतनी अच्छी लग रही है जितनी मुझे पेप्सी अच्छी लग रही है लेकिन कुछ लोग होंगे ना जिनके जिनको पेप्सी है तो पेप्सी ही चाहिए कोक नहीं चाहिए राइट तो उस केस में क्या है भी लोग डिमांड उसी की करेंगे राइट right? तो वो वाली चीज की बात नहीं, नहीं। होगा जहां पर गुड्स क्लोजर सब्सटीट्यूट दिख रहे हैं जहां पर मोर और लेस कंज्यूमर्स को यही लग रहा है कि उन्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी बाय कंज्यूमिंग बोथ द गुड्स ओके एंड लोअर कॉस्ट है ऑफ स्विचिंग टू द दबस्टिट्यूट गुड अब मैं पेप्सी को छोड़कर कोक कंज्यूम कर रही हूं तो मेरे लिए ये स्विच करने में जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो कम होंगे काफी तभी स्विच करूंगी मैं अदरवाइज नहीं करूंगी और लोअर डिस्कम्फर्ट होगा मुझे मुझे अगर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होगा तो मैं एक रुपए के लिए क्यों ये करूंगी स्विच राइट right? तो स्विच करने में लोअर इनकन्वीनियंस होनी चाहिए और लोअर कॉस्ट होनी चाहिए स्विचिंग की तभी पॉसिबल है तभी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया देखा जाएगा ओके सो डी ऑल ऑफ द अब आर द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर मतलब स्टूडेंट्स की सबस्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांगर होने के लिए गुड्स एक तो क्लोजर सब्सटीट्यूट भी होने चाहिए नंबर वन कंडीशन दूसरा लोअर कॉस्ट होनी चाहिए स्विचिंग की टू द सब्सटीट्यूट गुड तीसरा लोअर इनकन्वीनियंस होनी चाहिए वाइल स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड ओके नेक्स्ट यो वी हैव क्वेश्चन नंबर टेन ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज ओके तो आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करती है कंट्रीज के बीच में ओके okay? तो स्टूडेंट देखिए ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन ईपी दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तीन एलिमेंट्स है एलपीजी दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है तो बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बिटवीन द कंट्रीज द ऑप्शंस आर ए कंपटीशन बी इन्वेस्टमेंट सी इंटीग्रेशन डी नन ऑफ दीज ओके स्टूडेंट्स तो देखिए स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो इंडिया है वो ओपन इकोनॉमी बने इंडिया कैनेडा के साथ भी इंटरक्ट करे बिजनेस रिलेशन रखे अमेरिका के साथ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे राइट रशिया के साथ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करे राइट और हर एक कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन हो बिजनेस रिलेशन दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन राइट आप जैसे देख रहे हो इंडिया में एम खुली हुई है गुरुग्राम नोएडा आर द हब फॉर एमएनसी तो वो क्या है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी पीपल कैन विजिट कैनेडा वी पीपल कैन विजिट अमेरिका वी पीपल कैन विजिट रशिया फॉर डूइंग जॉब ओवर देर राइट टू सेटल ओवर देर वट इज दैट दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारी वो इंटरेक्ट कर पा रही है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकॉमी जैसे इंडिया इंटरेक्ट कर रहा है वैसे बाकी कंट्रीज भी क्या कर पा रही है इंटरैक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ राइट right? तो इंटरैक्शन इनक्रीज हुआ है कंट्रीज में राइट right? मतलब इंटीग्रेशन आया है कंट्रीज में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई है कंट्रीज में एक बॉन्ड क्रिएट हुआ है कंट्रीज में बहुत अच्छे से राइट सो ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट करता है रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग को डिफाइन हम कैसे करते हैं दैट इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी राइट अब ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट है कि कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है इन्वेस्टमेंट होने लगी हैं एफ डी आई एफ पी आई राइट ये तो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट क्या करता है वो इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन

स किया जाता है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करना डिक्रीज करना कैसे किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करके ऐसी कौन सी पॉलिसी है तो स्टूडेंट्स देखिए वी नो दैट ऐसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जाता है यूजिंग इंटरेस्ट रेट राइट जिससे की जो एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज पे वो अफेक्ट होता है सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन बाकी पॉलिसीज यहां पर यूज नहीं की जाती है इनके अंदर इंटरेस्ट रेट को यूज नहीं किया जाता है एज अ टूल इन ऑर्डर टू अफेक्ट द स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज ओके सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन दैट इज मोनिट्री पॉलिसी जब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है ना लोन्स पे राइट right? जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है लोन्स पे तो लोग लोन वगैरह लेते हैं बोरो करते हैं बोरो करते हैं और फिर वो क्या करते हैं डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज कर देते हैं राइट right? तो इससे यानी कि स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करके एंड वाइस वर्सा ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है जो कंज्यूमर सरप्लस का लॉ है वो किस पर बेस्ड है द ऑप्शन आर ए कर्व एनालिसिस बी रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी सी लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन डी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ओके स्टूडेंट्स तो देखिये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस राइट क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होती रहेगी जैसे जैसे कंजम्पन इंक्रीज होगी राइट लेकिन जो प्राइस है वो तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है कमोडिटी का राइट right? तो स्टार्टिंग में जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है प्राइस से राइट right? यहां पर क्या ये वाला एरिया ये डिनोट कर रहा है जब मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से तो ये क्या है कंज्यूमर सरप्लस है. है ना तो क्या बोलते हैं जैसे जैसे मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इफेक्ट दिखने लगेगा इफेक्ट इंक्रीज होने लगेगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा राइट कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस कंज्यूमर सरप्लस को हम कैसे निकालते हैं एमयू माइनस प्राइस ओके स्टूडेंट्स चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाउ द फोर फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल आर तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है फोर फेजेस या फोर स्टेजेस बिजनेस साइकिल की कौन सी होती है द ऑप्शन आर ए पीक रिसेशन ट्रॉफ एंड बूम नो बी पीक Depression, trough, and boom. No. C. Peak, recession, trough, and recovery. Yes. D. Peak, depression, bust, and boom. No. Right. Four stages, are shown here, students. Peak, recession, trough, and recovery. Right. These are the four stages, or you can say four phases of business cycle. So, C option is the correct option. Next, students. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट ऑफ 2000 थाउजेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट हुआ था इन द ईयर 2000 वो किस चीज का एग्जाम्पल है द ऑप्शन आर ए बिजनेस साइकिल बी कंज्यूमर सवर्निटी सी फ्रीडम ऑफ चॉइस डी नन ऑफ दीज तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो बात हो रही है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बर्स्ट की ये बेसिकली रिलेटेड था इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज से इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज राइट 2000 में क्या देखा गया कि इनके शेयर प्राइजेस पहले काफी इंक्रीज हुए ओके क्योंकि लोग इसमें स्पेक्युलेशन कर रहे थे लेकिन बहुत सी कंपनीज के जो शेयर प्राइजेस हैं वो ओवर वैल्यूड हो गए थे फिर फिर उसके बाद शार्प डिक्लाइन आया शार्प डिक्लाइन आया शेयर प्राइजेस में स्टॉक प्राइजेस में शार्प डिक्लाइन हुआ मतलब एक बार स्टॉक प्राइजेस अब गया बाद में स्टॉक प्राइजेस डिक्लाइन आ गए बहुत ज्यादा ठीक है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं स्टॉक प्राइजेस क्या हो गए क्रैश हो गए तो ये जो एग्जाम्पल है ये डिनोट कर रहा है बिजनेस साइकिल को पहले तो क्या चल रहा था एक्सपेंशन चल रहा था ना स्टॉक प्राइजेस अब जा रहे थे ग्रोथ हो रही थी इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज की लेकिन बाद में शेयर प्राइजे स्टॉक प्राइजेस क्या हो गए कम हो गए तो फिर क्या होने लगा कॉन्ट्रेक्शन हो गया इवन आप बोल सकते हो कि डिप्रेशन में ही चला गया ये काम राइट right? तो ये बिजनेस साइकिल्स का एग्जाम्पल है सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट ई स्कॉलर्स डॉट इन जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें ई स्कॉलर्स डॉट इन और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी थैंक यू सो मच मूविंग ऑन टू द द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हियर वी हैव नंबर 15 डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है अगर हम बात करें डिफरेंस की ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में वो किस चीज के इक्वलेंट है द ऑप्शन आर ए अनवॉन्टेड इन्वेंट्री चेंजेस बी द डिफरेंस बिटवीन एनडीपी एंड नेशनल इनकम सी द डिफरेंस बिटवीन जी डी पी एंड एनडीपी डी नन ऑफ द अब ओके स्टूडेंट्स तो देखे स्टूडेंट्स यहां पर बात हो रही है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की एंड नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो यहां पर क्या है कॉमन है डिफरेंस किसमें है ग्रॉस में और नेट में यानी कि डेप्रिसिएशन इसका डिफरेंस है राइट वी नो दैट ग्रोथ और नेट का डिफरेंस क्या होता है डेप्रिसिएशन राइट right? अब यहां पर ये अनवांटेड वेड इन्वेंट्री चेंजेस से तो रिलेटेड नहीं है डिफरेंस बिटवीन एनडीपी एंड नेशनल इनकम नेशनल इनकम तो एन एन एट एफ सी होता है राइट right? तो यहां पर डी और एन का डिफरेंस है एन एफ आई ए यानी कि एन एफ आई ए डिफरेंस है ये नहीं हो रहा है राइट right? डिफरेंस अगर हम बात करें जीडीपी और एनडीपी की यहां पर ग्रोथ और नेट का डिफरेंस है यानी कि डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है सो so,

और साथ में फॉरेन ट्रिप पर चले जाते हो तो बताइए क्या होगा इससे द आर ए कंजम्पन आपकी कंजम्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा बी नेट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज सी गवर्नमेंट परचेजेस विल इंक्रीज डी इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज ओके स्टूडेंट्स तो देखिए स्टूडेंट्स जब हम अपनी सेविंग्स को यूज करते हैं न्यू सोफा लेने में ठीक है एंड फॉरन ट्रिप पर जाने में तो ये तो हम अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं इससे कोई हमारी इनकम जनरेट नहीं होने वाली ये तो हमारा खर्चा है तो दैट इज लीड टू कंजम्पशन राइट इससे क्या होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेकिन अगर हम अपनी सेविंग्स को यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट बोन्स को खरीदने के लिए तो वो क्या होगा उससे हमें रिटर्न्स जनरेट होंगे इनकम जनरेट होगी फ्यूचर में तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट राइट कोई भी चीज हम करें जिससे हमारा रिटर्न जनरेट होगा फ्यूचर में या हमारी इनकम जनरेट होगी फ्यूचर में दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट राइट तो गवर्नमेंट बोन्ड्स के तो गवर्नमेंट बोन्ड्स को खरीदने के लिए हम अपनी सेविंग्स को यूज करें तो वो इन्वेस्टमेंट है लेकिन यहां पर आप देखो दो जो चीजें बोली हैं उनका काफी मेजर इफेक्ट है न्यू सोफा खरीदना फॉरेन ट्रिप राइट दो चीजें कंजम्पशन की है एक चीज इन्वेस्टमेंट की है और आपको ऑप्शन में दोनों चीज नहीं दे रखी कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ विल इंक्रीज तो हमें कोई एक पे टिक करना है तो यानी कि यहां पर ज्यादा इफेक्ट किसका आ रहा है कंज़म्पशन का आ रहा है तो कंज़म्पशन विल इंक्रीज़। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन वट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द सब प्राइम क्राइसिस एंड ग्रीस क्राइसिस सब प्राइम क्राइसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट सब प्राइम बोलते हैं हम उन बोरोवर्स को जिनकी पुअर क्रेडिट हिस्ट्री होती है तो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2007 से लेकर 2008 तक ठीक है इसमें बेसिकली जो भी बोरोअर्स थे जिनकी पुअर क्रेडिट हिस्ट्री थी वो अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पाए थे और फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत ज्यादा इस चीज का गलत इफेक्ट आया था ग्रीस क्राइसिस में ये कंट्री ग्रीस से रिलेटेड है ग्रीस फाइनेंशियल डेट में जा चुका था ठीक है अब इन दोनों में क्या कॉमन था हाई फाइनेंशियल लिवरेज दोनों में थी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दोनों में मिल रहे थे लेकिन तब भी कोई लेने को तैयार नहीं था क्रेडिट एक्सपेंशन दोनों में हो रहा था राइट सो ऑल ऑफ द अब देखा गया दोनों में सब प्राइम क्राइसिस में भी एंड ग्रीस क्राइसिस में भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन अमंग द फॉलोइंग कैन ऑफ टैक्सेशन विच वन हैज बिन गिवेन बाय एडम स्मिथ तो स्टूडेंट्स ये कैनन दे रखे हैं टैक्सेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा कैनन एडम स्मिथ ने दिया था कैनन होता है बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल ओके और यू कैन से प्रिंसिपल सिद्धांत ठीक है सो एडम स्मिथ ने टैक्सेशन के एस्पेक्ट में जो कैन ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल दिया वो ये दिया कि इक्वालिटी के बेसिस पे इक्विटी के बेसिस पे टैक्सेशन को लगाया जाना चाहिए मतलब गवर्नमेंट को टैक्स लगाना चाहिए ये देखते हुए कि जो टैक्स पेयर है उसकी एबिलिटी कितनी है मतलब टैक्स पेयर की इनकम कितनी है उसके बेसिस पे टैक्स लगाया जाए राइट सो कैन ऑफ इक्विटी इससे रिलेटेड था ओके कैन ऑफ सर्टेनिटी भी इससे रिलेटेड था इन्होंने बताया कि हर किसी को पता होना चाहिए कब टैक्स देना है कहां पर देना है और कितना देना है ये क्लियर होना चाहिए सबको ओके एंड कैनन ऑफ कन्वीनियंस भी इन्होंने दिया कि टैक्स पेयर आराम से टैक्स पे कर पाए सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए टैक्स पे करने का एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी भी इन्होंने दिया कि मतलब टैक्स कलेक्शन कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए जितनी हो सकती है उसको कम किया जाना चाहिए सो कैन ऑफ यूनिफॉर्मिटी की इन्होंने बात नहीं की प्रोडक्टिविटी की इन्होंने बात नहीं की डायवर्सिटी की इन्होंने बात नहीं की इन्होंने इक्विटी की बात करी सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन सो बेसिकली मैंने आपको एडम स्मिथ के फोर कैनन्स बताए टैक्सेशन के जो उन्होंने हाईलाइट किए थे वो था कैन ऑफ यू नो इक्विटी सर्टेनिटी कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन here we have question number 19 the substitution effect works to encourage a consumer to purchase more of a product when the price of that product is falling because to so students aap se pucha ja raha hai ki substitution effect kaise work karta hai कैसे substitution effect क्या encourage करता है कि हम जो लोग हैं वो purchase करना चाहते हैं एक particular product को जिसका price fall हो गया है right? चलिए ऑप्शन देखते हैं ए द कंज्यूमर्स रियल इनकम हैज इंक्रीज बी द कंज्यूमर्स रियल इनकम हैज सी द प्रोडक्ट इज नाउ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन बिफोर डी अदर प्रोडक्ट्स आर नाउ लेस एक्सपेंसिव देन बिफोर ओके स्टूडेंट्स तो देखिए स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको सब्सिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो गुड्स हैं और एक गुड का प्राइस कम हो जाता है तो यानी कि वो लेस एक्सपेंसिव हो गया वो चीपर हो गया है विथ कंपेरिजन टू इट्स इट्सूट राइट राइट right? इसीलिए हम उसकी डिमांड क्या करेंगे ज्यादा करेंगे तो यही पे आपसे पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है कि एक जो कंज्यूमर है वो ज्यादा प्रोडक्ट बाय करेगा जब प्राइस उसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इनकेस ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो वो इसलिए क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव हो गया चीपर हो गया विद रिस्पेक्ट टू इट्स

तो स्टूडेंट्स देखिए सिर्फ हम ये बता दें ये देखते हुए कि मार्केट डिमांड कब का नेगेटिव स्लोप है तो वो मनोपली होगी या ओलिगोपली होगी या वो मोनोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होगा ये बताना इम्पॉसिबल है क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना वो सिर्फ मार्केट डिमांड कर्व पे डिपेंड नहीं करता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर ये डिपेंड करता है लाइक मार्केट पार कितनी है सेलर के पास नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं मार्केट में कौन से प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं होमोजीनियस है या डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है एक्सेट्रा ओके सो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इनसफिशियंट है हमें सफिशियंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट ईयर वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन इकोनॉमिक्स जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स में मार्केट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ओके वो कौन से बेसिस पे किया जाता है ए टाइम बी जियोग्राफिक एरिया सी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस डी ऑल ऑफ दीज तो देखिये स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी हैव वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट शॉर्ट पीरियड मार्केट वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग मार्केट लॉन्ग पीरियड मार्केट राइट सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी हैव फोर टाइप्स ऑफ मार्केट नेक्स्ट ज्योग्राफिक एरिया के बेसिस पे वी हैव नेशनल मार्केट वी हैव रीजनल मार्केट वी हैव लोकल मार्केट्स वी हैव इंटरनेशनल मार्केट्स राइट वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे अगर बात करें तो वी हैव होलसेल मार्केट वी हैव रिटेल मार्केट राइट so answer is D all of these right so in economics we can classify the markets on the basis of time geographical area as well as on the volume of business next here we have question number twenty two which characteristic of money refers to its ability to hold value over time right तो आपसे पूछा जा रहा है money का ऐसा कौन सा feature है जो ये बताता है कि money में ऐसी ability है कि वो value को hold करके रख सकती है जैसे जैसे time pass होगा तब भी ऑप्शन आर ए डिजिबिलिटी बी ड्यूरेबिलिटी सी पोर्टेबिलिटी डी स्टोर ऑफ वैल्यू ये डी ऑप्शन एज अ करेक्ट ऑप्शन ना स्टूडेंट स्टोर ऑफ वैल्यू दैट वी कैन सेव द मनी हम मनी को सेव कर सकते हैं क्योंकि मनी की जो वैल्यू रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है राइट आज मैंने वन लाख रुपीज सेव किए हैं तो वो एक साल बाद भी वन लाख रुपीज ही रहेंगे उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है कॉन्स्टेंट रहने वाली है सो स्टोर ऑफ वैल्यू की हेल्प से

तो ऐसी चीज M2 में क्या है जो M1 में नहीं होती है द ऑप्शन आर ए करेंसी इन सर्कुलेशन सेविंग्स डिपॉजिट सी डिमांड डिपॉजिट डी ट्रेवलर्स चेक ओके तो स्टूडेंट देखिए M1 का फॉर्मूला देखते हैं M1 का फॉर्मूला क्या होता है करेंसी इन सर्कुलेशन करेंसी इन सर्कुलेशन राइट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपोजिट्स राइट और एम टू की बात करें तो एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपोजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपोजिट्स राइट तो ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपोजिट होते हैं ये एम वन में नहीं होते एम टू में होते हैं तो मतलब वी कैन से दैट सेविंग्स डिपोजिट सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन सेविंग्स डिपोजिट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वट इज द प्राइमरी पर्प ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा इम्पोर्ट कोटा का प्राइमरी पर्प यानी कि मेन गोल क्या होता है इम्पोर्ट कोटा ठीक है इसका मेन गोल क्या होता है द ऑप्शन आर ए टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन बी टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग सी टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट डी टू इंक्रीज द ट्रेड डेफिसिट ओके स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स इम्पोर्ट कोटा का क्या मतलब है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देना क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाना ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट से बोला कि गवर्नमेंट मुझे राइस इंपोर्ट करने है गवर्नमेंट ने बोला ठीक है साक्षी आप राइस इंपोर्ट कर सकते हो लेकिन आप वन मंथ में टेन के से ऊपर राइस इंपोर्ट नहीं करोगे तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है इम्पोर्टेड गुड के ऊपर किस टर्म्स में क्वांटिटी के टर्म्स में

हाइएस्ट नंबर यानी कि मोस्ट ऑफ द आई एम एफ मेंबर्स यानी कि इंटरनेशनल मोनिटरी फंड मेंबर्स यूज करती है द ऑप्शन आर ए हार्डपैग बी फ्लोटिंग सी फ्री फ्लोटिंग डी सॉफ्ट पैग तो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दट इज सॉफ्ट पैग सॉफ्ट एक ऐसा एक्सचेंज रेट रिजाइम है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय हाईएस्ट नंबर ऑफ आईएमएफ मेंबर्स इसमें क्या होता है कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो फिक्स कर दी जाती है इन टर्म्स ऑफ द अदर कंट्रीज करेंसी और इन टर्म्स ऑफ द बास्केट ऑफ करेंसीज लेकिन उसमें सम फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है ओके स्टूडेंट्स सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क अस इन आवर कमेंट सेक्शन Our team will reply you as soon as possible. So, thanks for watching. See you in next video with more content like this. Bye-bye. Take care. Jai Sham and all the best for your preparation.